स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इंडिया के मैपिंग हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे मैपिंग कर चुके हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट मैपिंग है प्री के हिसाब से, प्री के संदर्भ में देखें तो कुछ मैपिंग को करा रहे हैं जो प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको स्किप में नहीं कीजिएगा। हार्डली 10 मिनट का होगा ये वीडियो, अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला आता है कि गोल्डन क्रेसेंट के बारे में पूछा जाता है कि गोल्डन क्रेसेंट या चंद्राकार किसके लिए फेमस है, पहली बात। दूसरी बात, ये इनकी अवस्थिति कहाँ है? तो गोल्डन क्रेसेंट की अवस्थिति देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, 3 देशों में है। जो गोल्डन क्रेसेंट है ये अफीम के लिए फेमस है। इसके लिए अफीम के लिए, जैसे इंडिया के सटे पाकिस्तान है तो सटा एक राज्य है पंजाब। पंजाब में आपको ड्रग्स के उपभोक्ता ज्यादा दिखेंगे, तो ये केवल गोल्डन क्रेसेंट की वजह से होने के लिए। और ये बॉर्डर जो इंडिया बॉर्डर है ना, यहाँ पे इंडिया का ये बॉर्डर पोरस होने की वजह से यहाँ पे ड्रग की तस्करी होती है, ठीक है ना, ड्रग की तस्करी होती है। एक यहीं पे देख लेते हैं हम लोग क्रेसेंट के बारे में, इसके बारे में देख, नहीं क्रेसेंट तो देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल की अवस्थिति क्या है। तो ये इंडिया के वेस्ट साइड में है गोल्डन क्रेसेंट, और ईस्ट साइड में हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है? म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है और लाओस आता है। ये 3 देश से हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। ये किस लिए फेमस है? हथियारों के लिए फेमस है। तो जब भी हम मेंस में आंसर लिखते हैं, मेंस में कभी भी सीमा सुरक्षा की बात जब भी करते हैं, तो इन दोनों का जिक्र भी किए बिना आंसर हमारा अधूरा होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट मैपिंग में हम क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट मैपिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पे है, और यूनेस्को की मैप एमएबी या मैप के द्वारा कौन कौन मान्यता प्राप्त है। 12 है अभी फिलहाल में, तो कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं कि बायोस्फीयर में कौन कौन सा है, कहाँ पे अवस्थिति है बायोस्फीयर का। तो कोल्ड डेजर्ट जो है, ये बायोस्फीयर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड में नंदा देवी मिलता है, ठीक है। वहीं देखिए नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो सिक्किम में मिलता है हमारा कंचनजंगा, ये बायोस्फीयर है। फिर आसाम में आ जाए तो आसाम में हमको मानस मिलता है। वहीं अगर दूसरे का देखें, दूसरे में हम देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में एक है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले को, दिहांग दिबांग। कौन सा? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो असम में दो पढ़ेंगे, एक तो मानस बता दिया, दूसरा डिब्रू सेखावा है। तो डिब्रू सेखावा और मानस दोनों की पोजिशन देखते चलना है। एक मेघालय में हमारा बायोस्फीयर मिलता है, उसको बोलते हैं नोक्रेक। कौन सा? नोक्रेक बोलते हैं। अब आ जाते हैं और नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन से स्टेट को। नीचे हम देखने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल है, इसमें सुंदर वन है बायोस्फीयर। वहीं उड़ीसा में देखें तो सिमलीपाल है। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है। अब आ जाओ यहाँ पे, अचनक मारा और अमरकंटक। अचनक मारा अमरकंटक ये है कहाँ? छत्तीसगढ़ और एमपी के बाउंड्री पे है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर है। नेक्स्ट हम देखें एमपी में, तो पन्ना और पंचमढ़ी, पन्ना और ये कौन सा है? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी को, तो ये हमारा पंचमढ़ी हो गया, ठीक है। तो एमपी में देखें तो पन्ना और पंचमढ़ी। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। वहीं साउथ में देखें तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हमें सिसाचालम मिलता है, और नीलगिरी हमारा ट्राई जंक्शन पे है। किसका? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पे है नीलगिरी। अगस्त मलाया हमारा केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पे मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट आखिरी वन बना है, बचा है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार है, ये 18वां, जो 18 हमने बायोस्फीयर देख लिया। अब देख लेते हैं कि यूनेस्को में कौन कौन नामित है। तो चलो मार्क करते हैं यूनेस्को वाले। तो यूनेस्को को देखो, नंदा देवी है, वो यूनेस्को के एमएबी के थ्रू मान्यता प्राप्त है। कंचनजंगा को मान्यता प्राप्त है। फिर आजा नोक्रेक मेघालय को, उसको सुंदरबन को, सिमलीपाल को, और अचनक मारा और पंचमढ़ी। अभी लेटेस्ट जो बना है वो पन्ना बना है, ठीक। तो वहीं अगर साउथ में देखें तो कौन कौन है यूनेस्को के अंदर मान्यता प्राप्त? तो नीलगिरी है, अगस्त मलाई है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ये जो तमिलनाडु में पड़ता है, और 12वां हमारा ग्रेट निकोबार है। तो ये हम लोग 12 देख लिए, 12 का नाम याद रखना और कौन से स्टेट में रहता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट मैपिंग की तरफ। नेक्स्ट में हम लोग लेक देखने जा रहे हैं। लेक हर बार मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए, या कौन सा लेक कहाँ पे अवस्थित है वो ये पूछ लिया जाता है। तो कौन सा स्टेट में है ये देखना। पहला लद्दाख यूटी की बात करें, लद्दाख यूटी में तो पैगोंग तसा लेक है, पैगोंग तसा लेक, सो मुरारी, ठीक है। तो पैगोंग तसा लेक और सो मुरारी लद्दाख में है। वहीं जम्मू की बात करें, जम्मू में वुलर लेक, डल लेक और जंसर लेक। जंसर लेक, डल लेक और वुलर लेक कहाँ है?
इसमें देखो डल और वुलर लेक तो आप लोग जानते हो, जानसर लेक अगर पूछ ले, जनसर लेक या जनसार लेक वो कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब आ जाते हैं, हम देख रहे हैं किसको, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, सूरज ताल है, चंद्र ताल है, ठीक है, और नक्को लेक है, नक्को और रेणुका लेक, कौन, सूरज ताल, चंद्र ताल, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, और नक्को लेक, रेणुका लेक, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम देखें तो सत्ताल है, सात ताल है, भीम ताल है, रूपकुंड है और नैनीताल है। तो ज्यादातर ताल हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट सूरज ताल और चंद्र ताल, ये कहाँ पे मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। रूपकुंड बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में है। अब आ जाते हैं राजस्थान में, ये राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो सांभर लेक है, पुष्कर लेक है, पुष्कर लेक, नक्की लेक, पंच भद्रा लेक, पंच भद्रा लेक, ढेबर लेक, और ये राज समंद लेक। तो कौन कौन बोला, राजस्थान में सांभर लेक, पुष्कर लेक, पंच भद्रा लेक, ढेबर लेक, नक्की लेक और राज संबंध लेक। अब आ जाते हैं एमपी में, देखते हैं एमपी में कौन है, एक है भोजताल, दूसरा है तावा रिजर्वायर। वहीं सिक्किम में देखें तो सिक्किम में है संगमो लेक, कौन सा, संगमो लेक किसमें है, सिक्किम में है। लोकटक लेक कहाँ, मणिपुर में। चिल्का लेक कहाँ, देखो उड़ीसा में। लोनार लेक कहाँ, ये महाराष्ट्र है, लोनार लेक कहाँ पे, महाराष्ट्र। पोवाई लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अब आ जाओ तेलंगाना की बात कर रहे हैं, ये तेलंगाना है। तेलंगाना में कौन है, हुसैन सागर लेक और उस्मग सागर लेक। उस्मग और हुसैन सागर कहाँ है, तेलंगाना में। कलेरु के पोजीशन देखो आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे पुलिकट बनता है। अब आ जाते हैं केरल में, देखते हैं केरल में कौन सा इंपॉर्टेंट है, बिंबानाथ, बिंबानाथ लेक, ये सिक्वेंस भी पूछ लेता है, अष्टमुडी लेक और सस्टम कोटा लेक, ये तीन सिक्वेंस है, ठीक है ना। अब तमिलनाडु में देखें, बीरानम लेक है तमिलनाडु में, और एक है तो तमिलनाडु में, दूसरा है चेम्बारकम लेक। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट लेक देख लिए हैं, और कोई छूटा नहीं है। लेक देखने के बाद हम लोग पास पे आ रहे हैं, दर्रा। दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दर्रा को सीक्वेंस में भी देखना है, दिमाग में बैठा लेना है। ये लद्दाख रीजन है हमारा, ठीक है, ये लद्दाख रीजन है, और लद्दाख रीजन के ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। अब देखो लद्दाख रीजन में कौन कौन सा है, तो लद्दाख रीजन में अगर देखें तो जो काराकोरम रेंज में है, काराकोरम में कौन कौन से पड़ते हैं, ये खुंजरब या खुंजेरा, आहिर, काराकोरम, खाडुंगला, खाडुंगला ये है, काराकोरम ये है, आदिल ये है। पोजीशन देखो, लनकला, चांगला, चांगला जहाँ से इंडस रिवर क्या एंट्री करती है। तो ये हमने क्या देखा, लद्दाख का, लद्दाख का देखो सहारा के सहारे इधर चीन है, ठीक है, या तिब्बत बोलो, तो ये चीन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो आगिल पास पूछे तो लद्दाख और चीन या तिब्बत में, काराकोरम सेम, ठीक है, वैसे खारदुंगला भी, लनकला भी, चांगला भी, ठीक है। अब आ जाते हैं बुर्जिल। बुर्जिल देखो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, एक तो ये हो जाएगा, या ये कहें कि श्रीनगर को, ये जो बुर्जिल है, ये श्रीनगर यहाँ पे है, श्रीनगर, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगिट को जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है, बुर्जिल जोड़ता है। एक बार फिर से देखो, ये है बुर्जिल, ठीक है, इधर है गिलगिट और इधर है श्रीनगर, इसको जोड़ता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जोजिला को। जोजिला की पोजीशन देखो, जोजिला हमारा ये पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। तो जोजिला किसको जोड़ता है, जोजिला जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल। पीर पंजाल की पोजीशन देखो, ये पीर पंजाल है, मिटा लेते हैं, पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल हमारा किससे जोड़ता है, कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली को ये रजौरी या पूंछ को जोड़ता है, ठीक है, पूंछ को जोड़ता है, कौन, पीर पंजाल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को, ये है बनिहाल दर्रा, ये ऊपर श्रीनगर पड़ेगा और नीचे जम्मू, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। या इसको बोले रोहतांग को मनाली से ले या लद्दाख जाने का रास्ता है, स्पीति घाटी में होते हुए ये भी मंडी को जोड़ता है, किसको, मंडी एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, उसको जोड़ता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज इससे क्या है, जो क्वेश्चन बनेगा वो बता दे रहे हैं कि कौन सा दर्रा किस में पड़ता है। देखो ये ऊपर वाले जितने हैं काराकोरम में पड़ते हैं, ठीक है,
ये जो जोजिला हमारा है, जोजिला ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है। जोजिला किसमें? जास्कर श्रेणी में पड़ता है। वहीं हम आ जाए कि ये पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल में पड़ेगा। बनिहाल किस में पड़ता है? पीर पंजाल में। ये बनिहाल है, ये भी पीर पंजाल में पड़ता है। लेकिन ये जो बारा ला चला है, ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है। रोहतांग किस में पड़ता है? ये पीर पंजाल में। तो यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है श्रेणी को लेकर। तो हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट दर्रे की तरफ, जहां पे इजी है, हमें बस नाम याद रखना है वहां का दर्रा। तो देखो, हिमाचल में हमने सिप किला पढ़ा, रोहतांग पढ़ा और बारह लाचला पढ़ा। सिप किला के थ्रू ही कौन सी नदी आती है? सतलज। अब आ जाओ उत्तराखंड का। उत्तराखंड में देखें तो माना, नीति और लिपु लेख, ठीक है ना? तो ये याद कैसे रखना? मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना? माना एम, नीति एन, ठीक है ना? और लिपु लेख से एल। तो मोतीलाल नेहरू के नाम याद रखोगे तो उत्तराखंड के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो सिक्किम में हमारा दो दर्रा है, एक नाथुला, जो इसको नाथुला बोलते हैं, और इसके नीचे जिलेपला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश में तो बोमडिला और यांगून और दिहांग, यांगून और दिहांग, ये दर्रा है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही एक है कुमजुआंग, कुमजुआंग और चनकन, चनकन कहाँ पे है इसी में। फिर से देखो मैप, अगर हम बना रहे हैं तो नहीं दिख रहा होगा। बोमडिला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यंग गुआन पड़ता है, दिहांग पड़ता है, और ये है कुमजावांग, यहाँ पे है चनकन। लेखा पानी देखो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मणिपुर में, ये तुजू, तुजू दर्रा पड़ता है मणिपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया के वेस्ट साइड में कुछ घाट मिलते हैं, दर्रा मिलते हैं, वो देखें। हल्दी घाट का, हल्दी घाटी मिलता है राजस्थान में। ये देखो असीरगढ़, असीरगढ़ किला है जो महाराष्ट्र और एमपी को कनेक्ट करता है। अगर थाल घाट देखें, थाल घाट को तो ये कनेक्ट करता है मुंबई से किसको? नासिक को। और वहीं भोर घाट देखें तो ये कनेक्ट करता है मुंबई से को इसे पुणे को, ये कनेक्ट करता है। उसके बाद चोरला घाट देखो, चोरला घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक को कनेक्ट कर रहा है। वहीं आ जाए पाल घाट, तो पाल घाट देखो ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? केरला और तमिलनाडु को कर रहा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट दर्रा था। इंपॉर्टेंट दर्रे के बाद अब हम लोग पोर्ट देखते हैं। पोर्ट भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो कांडला पोर्ट देखो गुजरात में, ये मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, मुरमुगांव गोवा में, ठीक है। और न्यू मैंगलोर कहाँ पड़ता है? ये बाउंड्री पे पड़ता है कर्नाटक और केरला के। कोची पोर्ट पड़ता है हमारा। तो ये वेस्ट साइड का या अरब सागर में कौन कौन सा पोर्ट है वो देखें। अब जरा सा हम देखें बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से पोर्ट है। तो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, ये हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पारादीप पोर्ट कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापत्तनम हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन्नौर, इन्नौर बाउंड्री पे है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के। तो इन्नौर या कामराज पोर्ट भी बोलते हैं। और चेन्नई पोर्ट हमारा चेन्नई में है, ये मतलब तमिलनाडु में। तुतीकोरिन पोर्ट हमारा तमिलनाडु में है। और एक लास्ट में देख रहे हैं पोर्ट ऑफ ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा आज की मैपिंग रहा। चलिए, थैंक यू सो मच।